कभी कोई सभा होती है, ना कभी शोक सभा होती है, ना कभी कोई शादी ब्याह, समझ में नहीं आता वो गाना कहाँ कहाँ बजता है। मैं कल दिल्ली में था तो वहाँ एक अनाथ बच्चों का कोई एक प्रोग्राम हो रहा था और वहाँ पे उनका गाना बज रहा था, और वो गाना, वो ऐसा गाना है कि हिंदुस्तान का, मैं समझता हूँ वो राष्ट्रगीत से कम नहीं, वो मानव शक्ति। और हमारे बीच कुलदीप सिंह जी हैं जो उसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, अभिलाष तुमने एक ऐसा गाना लिख दिया यार, अपन 100-100 गाने लिख के भी कहीं फंक्शन में जाते हैं तो गाना तेरा ही बज रहा होगा। और इनके गानों की बदौलत मतलब कितने लोगों की रोजी रोटी चल रही है, वो ऐसा गाना है, ऐसा गाना है कि मैं क्या बताऊं। ऐसे गाने बनाए नहीं जाते, बन जाते। क्या बात, मुझे कोई कहे कि इस तरह का दूसरा कोई गाना होगा तो शायद नहीं करता। जब कोई भी गाना बन रहा होता है या कोई भी शॉट लिया जा रहा था तो ये सोच के लिया जा रहा था कि ये सुपर हिट है, ये सुपर हिट है, लेकिन उसके फिर डेस्टिनी का कुछ पता नहीं, क्या होगा क्या नहीं, हमें भी नहीं पता था किसका क्या होगा। बस ये ऊपर वाले ने कुछ इसको इज्जत देनी थी या उसकी मार्फत मुझे इज्जत देनी थी बाजी के लिए। मैं थोड़ा सा मुन्ना भाई की बात नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा काम हमने नहीं किया, मेरे कुछ गाने उन्होंने गाए, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि रफ़ी साहब की बाकी गाने के अलावा बाकी आदतें जो है ना वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनमें आती। जितने वो आजिज थे, जितने कोऑपरेटिव थे, जब अगर पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, किसी भी ढंग से कभी भी, मतलब मेरा भी जो काम हुआ है तो इस तरह से हुआ कि भाई ये गाना गा रहा है अजी का था, कि ये फलानी जगह अब रिहर्सल करनी है, जीत करनी है, तो इस तरह का तो उसका नेचर जो है, चाहे वो ऊपर स्टार बन गया या जो भी बन गया, वो रहता वैसे ही। तो रफ़ी साहब भी बिल्कुल ऐसे थे, मैंने उनको नज़दीक से देखा है, तो उनको कई लोग इस तरह बना के चले जाते थे कि गाना याद करवाया, फिर बोले रफ़ी साहब पैसे रिकॉर्डिंग तो मुश्किल कितने लगेंगे, तो वो बोलते थे इतने लगेंगे, अच्छा ठीक है अंदर जाके लेके आके, बोलते जहीर को मत बता कि उनका साला भी था और होगा, तो इस तरह से वो रफ़ी साहब थे। और मैं जब इनको देखता था तो मुझे लगता था कि बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम से वो चल रहा है। बस मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि वो जहाँ भी है खुदा उनको जन्नत नसीब करे।